नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। और देखिए, कल के उतार के घोड़े के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं और विदेशों में इसको फेगेसिस भी कहा जाता है। और भी बहुत से नाम है इसके, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। उड़ने वाला घोड़ा है और पंख वाला घोड़ा इसको कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ देवदत्त कहा जाता है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो देखिए, उड़ने वाला जो घोड़ा है ना, तो देखिए ऐसी तो कोई प्रजाति पाई नहीं जाती पृथ्वी पर कि घोड़ा कोई उड़ता हो, पर एक घोड़ा है जो उड़ता है और उसको हम कहते हैं राम जी का घोड़ा। जी हाँ, और बरसात के दिनों में ये उड़ने वाला घोड़ा पाया जाता है। ये उछल करके थोड़ी दूर तक जा सकता है उड़ता हुआ, लगातार तो नहीं उड़ सकता है लेकिन उड़ सकता है। जी हाँ, इसी प्रकार से समुद्र में भी इस प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं जो घोड़े के जैसी दिखाई देती हैं। तो पूरी तरीके से आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि इसका अस्तित्व नहीं। मैंने एक बार भगवान कल्कि अवतार के घोड़े को देखा था और उसमें मैंने देखा था कि ब्लैक कलर का तो बैकग्राउंड है और काले रंग के, मतलब एक चोगा पहना हुआ था। ये इट्स मी वाले चोगे आजकल चल रहे हैं ना, ये इस तरह के, ये इस तरह के, ये इस तरह का एक चोगा पहना हुआ था उन्होंने और पूरा चेहरा था ना वो ब्लैक कलर का था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और घोड़े पर बैठे हुए थे, घोड़ा सफेद रंग का था और वो घोड़ा जो है उस पर बैठे हुए ऐसा नहीं था कि वो दौड़ रहा था, वो झूल रहा था, घोड़ा लहरा रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे तो कोई पानी में अगर कोई नाव होती है तो वो कभी कभी लहराती है ना लहरों में, ऊंची ऊंची लहरों में, उस प्रकार से लहरा रहा था। या फिर ऐसा लग रहा था जैसे तो कि आपने देखा होगा कभी कभी किसी बड़े, उसमें कोई बहुत बड़ा क्लब होता है या फिर कोई मेला होता है, वहां पर इस प्रकार के घोड़े आते हैं, आर्टिफिशियल घोड़े। तो वो इस प्रकार से एक चैलेंज होता है कि उसके ऊपर कोई कितनी देर तक बैठा रह पाएगा, ये चैलेंज होता है। और इस प्रकार के आपने देखे होंगे, तो इस प्रकार का लग रहा था वो घोड़ा और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सफेद रंग का था और पंख भी थे उसके, पंख फैले हुए थे। और सच पूछिए तो मुझे पूरी तरीके से सजीव लगा नहीं, ऐसा नहीं लगा कि वो एक सजीव था और बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे दिखाया गया ना डोलता हुआ और वो, मतलब थोड़ी सी देर का तो दृश्य था वो और उसी में मुझको एकदम से फिर हो रही है तो वो है, ये समझ में आया। फिर मैंने एक बार देखा कि खिड़की के बाहर खड़े होकर के भगवान बिल्कुल उसी रूप में जैसा मैंने देखा था ना, वो काले रंग का पूरा चेहरा जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और इस प्रकार का चोगा, और बाहर खड़े होकर के देख रहे हो हमारी खिड़की में, अंदर हमारे घर में। और मेरी जैसे ही नजर पड़ी एकदम से उन पर और मैं हल्का सा डर गया। तो देखिए, इन अनुभवों के बारे में मैं बहुत पहले बता चुका हूं आपको,
देखिए, भगवान कल्के अवतार के दो रूप हैं। एक तो है गोरा रूप, एक है काला रूप। और जो काला रूप है वो है काल भैरव का रूप, और ये बहुत शक्तिशाली और मतलब बहुत तीव्र रूप है। और मैंने एक बार भगवान कल्कि अवतार को जब पहली बार 5 वर्ष की अवस्था में जब खुली आंखों से देखा था ना, मैंने बताया था ना आपको ये अनुभव, तब भी वो जिस व्यक्ति के रूप में मुझे दिखाई दिए थे वो बिल्कुल ब्लैक कलर का ही था, बिल्कुल ब्लैक कलर का। और मानव जाति में भी अफ्रीका में जो लोग होते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ब्लैक होते हैं। देखिए, वैसे तो सारी मानव जाति भगवान कल्कि अवतार का ही स्वरूप है, पर ये जो रूप है ना भगवान का, और भी मुझे अनुभव याद आ रहे हैं भगवान के स्वरूप के बारे में, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने एक बार देखा कि मतलब मैं किसी दोस्त के यहाँ पर गया हुआ था, मैं सोया हुआ था पलंग पे, सोया हुआ था, मेरा दोस्त था और वो नीचे सोया हुआ था जमीन पर। तो मैंने देखा कि उस पलंग से अटैच जो कांच की खिड़की थी, उस खिड़की में से एक बहुत ही मतलब एकदम ब्लैक कलर का और एक डरावना सा मतलब चेहरा एकदम से एक व्यक्ति अंदर आया और आकर के उसने मेरा यूं करके गला पकड़ लिया ऐसे करके। और इतना ज्यादा मैं डर के एकदम से उठ गया और मतलब मुझको ऐसा लगा जैसे सचमुच में ऐसा हुआ हो। ये 98 की बात है। हाँ, उन्नीस सौ अंठानवे की बात है, तब मुझको ये मतलब इस प्रकार का स्वप्न दर्शन हुआ था, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पष्ट था ये। फिर अच्छा, ये सचमुच में भी हुआ ऐसा। हम एक दोस्त था, उसको मैं बचाने के लिए गया तो उसने इसी प्रकार से बिहेव किया मेरे साथ, और हुआ था ऐसा। और एक बार मैंने देखा कि एक बहुत ऊंचा वृक्ष है और उस वृक्ष पर धीरे धीरे करके मेरी ऊपर जैसे नजर गई ऐसे, और ऊपर देखा मैंने कि एक बिल्कुल ब्लैक कलर का बहुत ही मतलब ज्यादा डरावना रूप एक खड़ा हुआ है। और बिल्कुल ब्लैक कलर का, और नीचे मैंने देखा कि जड़ों में, उस पेड़ की जड़ों में बंदर बैठे हुए हैं। इस प्रकार का दृश्य मुझे मतलब एक बार दिखाया गया। तो मैंने इसके अलावा देखिए, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।